अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नंपाई के जो और एडिशनल फंक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शन से। तो सबसे पहले मैं इंपोर्ट कराता हूँ नंपाई को SNP, और उसके बाद मैं एक एरे बनाता हूँ np.arrange 15 साइज का बनाता हूँ, उसको रीशेप करता हूँ 5, 3 और एरे को सिंपल प्रिंट कराता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आपको एक और बात समझानी है कि अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह -1 यहाँ पे पुट कर दूँ, तो -1 का मतलब ये होता है जब भी आप किसी पैरामीटर में -1 यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको एक तो पता है, एक डायमेंशन तो पता है कि मुझे 5 रॉ करनी है, 5 रॉस मुझे चाहिए, लेकिन दूसरी आपको नहीं पता। दूसरी आप नहीं पता तो आप नंपाई को बोलते हैं कि अपनी तरफ से जनरेट कर दें। तो ऑब्वियसली जब भी आप 15 जैसे मैंने यहाँ पे किया है और मैंने 5 एक दिया है और दूसरा मैंने कॉलम्स कुछ नहीं दिए, तो ऑब्वियसली नंपाई उसको 3 कंसिडर करेगा। देखिए मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे वापसी यही मुझे पूरा शो करेगा, और जैसे मैंने रन किया देखिए इसने पूरा मुझे वापसी यही शो किया। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट कर दूँ और यहाँ पे 3 पुट करूँ तो देखिए मुझे ये 5 रॉस और 3 कॉलम्स बना देगा। 3 तो मैंने कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं लेकिन -1 मतलब रॉस मैंने प्रोवाइड नहीं की, तो जाहिर सी बात है 5 × 3 = 15 होता है, तो इसने क्यों नहीं यहाँ पे किया देखते हैं ज़रा। नहीं बल्कि इसने तो सही से प्रिंट कर दिया, हाँ सही, 5 रॉस और 3 कॉलम्स। तो देखें हम -1 तभी हमारे लिए यूज़फुल होता है जब हमें सही से शेप पता नहीं होता कि भाई हम दूसरा रॉज या कॉलम हम क्या यहाँ पे पुट करें, तो हम उसकी जगह -1 पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों की जगह -1 पुट करूँ तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा, कहेगा कि भाई एक का तो आपको डायमेंशन देना ही पड़ेगा लेकिन एक का आप नहीं दे सकते, एक का आपको खुद देना है। देखें क्या बोल रहा है, एरर पढ़ना आपको बिल्कुल मतलब आना चाहिए सही से, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकेंगे। ये देखिए एरर में क्या बोल रहा है, कैन ओनली स्पेसिफाई 1 अननोन डायमेंशन, कि आप सिर्फ एक ही अननोन डायमेंशन दे सकते हैं, मतलब एक ही दफ़ा -1 दे सकते हैं, दो दो दफ़ा नहीं दे सकते। देखिए मैंने यहाँ 5 पुट किया तो उसने यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली 3 कंसीडर कर दिया जो मैंने यहाँ पे पुट नहीं किया। तो चले आगे बढ़ते हैं, मुझे आपको ये बताना ज़रूरी था। तो आगे बढ़ते हुए हमारे पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं जो है रेविल। अब रेविल क्या करता है, रेविल पूरे एरे को फ्लैट कर देता है, मतलब पूरे एक सीध में शो कर देता है। देखिए 0 से लेके 14 तक पूरे उसने एक एरे यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखें मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर सी पुट हुआ हुआ है। सी का मतलब यही होता है कि ये पूरा इसको सीधा इसको प्रिंट कर दें, लेकिन रॉ वाइज, सी का मतलब है रॉ वाइज पूरा प्रिंट करेगा। अब बाय डिफॉल्ट तो सी मौजूद है लेकिन अगर मैं यहाँ पे एफ पुट कर दूँ तो ये अब इसको कॉलम वाइज करेगा। ये देखें इसने सीधा तो किया लेकिन कॉलम वाइज, कॉलम वाइज कैसे, पहला कॉलम उठाया ये देखिए सीधा कर दिया तीनों को, इन तीन को उठाया इन तीन को कर दिया इन तीन को इन तीन को, वैसे ही कॉलम वाइज। अगर मैं यहाँ पे सी पुट करूँगा तो ये रॉ वाइज करेगा जो कि हमने पहले देखा, अगर सी नहीं भी पुट करूँगा तो बाय डिफॉल्ट ये रॉ वाइज ही इसको लेगा। तो चले अब आगे बढ़ते हैं, हमने रेवल कर लिया, अब हम फ्लैटन पे जाते हैं। अब फ्लैटन क्या करता है, फ्लैटन पूरा रेवल की तरह ही होता है, बस आपको एडिशनली बताना था। देखिए मैं फ्लैटन करूँगा तो ये पूरा इसने सेम कर दिया, लेकिन अब फ्लैटन में एक मसला है कि हम इसको कॉलम वाइज नहीं कर सकते, हम सिर्फ रेवल को ही कॉलम वाइज कर सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं, अब मैं बनाता हूँ 2 नई एरे और उसको नाम देता हूँ Array1 और इसको मैं करता हूँ np.array और इसके अंदर पास कराता हूँ 1, 2, 3 और दूसरी लिस्ट पास कराता हूँ 4, 5, 6 और सेम ऐसी एक दूसरी एरे बनाता हूँ, इसमें सिंपल मैं करूँगा 10, 11, 12 और देर 7, 8, 9 और इसको मैं Array2 का नाम दे देता हूँ और सिंपल दोनों को प्रिंट कराने से पहले इसने एरर हमें क्यों शो किया, क्योंकि ये बोल रहा है डेटा टाइप नॉट अंडरस्टूड,
इसका क्या मतलब? जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक 2D array यहाँ पे डिफाइन किया है। तो 2D array मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके दो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट खोलता हूँ, यहाँ पे बंद करता हूँ उसको, वैसे इसको भी यहाँ पे करूँगा। आप चाहे तो ये पूरा देखिए हाईलाइट करें, और हाईलाइट करने के बाद एक दफ़ा स्क्वायर का बटन दबा दें, देखिए इसने ऑटोमेटिकली कर दिया, यानी गलत हो गया है बाय मिस्टेक, अब जाके सही हुआ। अब मैं इसको रन करूंगा, ये बिल्कुल सही से रन हो चुका है। अब मैं array 1 और array 2 को प्रिंट करवा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि देखिए प्रिंट का फंक्शन क्या करता है, सिंपल प्रिंट करता है, सही है। अब देखिए प्रिंट की वजह से, प्रिंट हमने जैसे ही किया तो इसने देखिए थोड़ा यहाँ पे मिसमैनेज कर दिया है इसको। तो अगर आप इसको डिस्प्ले कर दें, तो डिस्प्ले एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है, वो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्ले का ये बड़ी अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। देखें एरे की हेडिंग डाल दी उसने और बता दिया पहले पहला एरे जो है वो ये है, दूसरा एरे ये है, और दोनों को बिल्कुल सेपरेट करके हमें अच्छे से डिस्प्ले कर दिया। और एक और चीज़ बात कि अगर आप सिर्फ array 1 लिखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इसको डिस्प्ले ही करता है। देखिए इसने पूरा ऐसे ही इसको प्रिंट किया, तो बाय डिफॉल्ट ही डिस्प्ले करता है, बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं करता। प्रिंट हम जब लिखते हैं तभी प्रिंट करता है। तो चले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो सबसे मेन फंक्शन है हमारा कॉनकेटनेट का, वो हम पढ़ते हैं। वो कैसे होता है? np.concatenate, और इसके अंदर कॉनकेटनेट का मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो एरे को मिलाना, मर्ज करना। तो इसके अंदर मैं अपनी दोनों एरे को पास करवा देता हूँ, array 1 और array 2, और बोलता हूँ कि भाई मुझे मिलाना है, एक्सेस दे देता हूँ 0 मतलब कॉलम वाइज। अब इससे हमें एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग सही नहीं लिखी। अब ये बिल्कुल इसको सही से कॉनकेटनेट करके हमें शो कर दिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करें कि हमने जब पिछली वीडियोस में मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े थे, फिर डॉट प्रोडक्ट, उसमें हम जो एक्सेस 0 था उसको वो कॉलम ले रहा था और एक्सेस 1 को रॉ ले रहा था। लेकिन दूसरे फंक्शंस में थोड़ा चेंज है, 0 को वो रॉ लेता है और 1 को वो कॉलम लेता है। एक चीज़ का बात का आप ध्यान हमेशा रखें कि मैथमेटिकल फंक्शंस में हमेशा 0 को कॉलम, 1 को रॉ लेगा, और बाकी सारे फंक्शंस में 0 को रॉ और 1 को कॉलम लेगा। अब देखिए इसने इसको यहाँ पे कैसे मिलाया, मैंने बोला मिला तो रॉ वाइज, तो इसने इन दो रॉ को उठाया, नीचे तीसरी चौथी रॉ को उठा के पूरा मुझे 2D array यहाँ पे प्रिंट कर दिया। 1 लिखूंगा तो सिंपल ही मुझे कॉलम वाइज मिला के देगा कि भाई सबसे पहले इसने इन दोनों को उठाया, मिला दिया इन दोनों को, ये पूरा उठाया मिला दिया। अब इन तीनों इस मतलब दूसरे वाले एरे को इसके सामने रख दिया, समझ ले, तो ये समझ ले कॉलम वाइज इसने इसको कॉनकेटनेट करके हमें शो कर दिया। रॉ वाइज इसने नीचे किया था, कॉलम वाइज इसने इसके सामने कर दिया। तो चले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, जो है हमारा vstack। vstack का फुल फॉर्म है वर्टिकल स्टैक। अभी क्या करता है, ये भी कॉनकेटनेट करता है, लेकिन हम vstack लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जाहिर सी बात है वर्टिकली इसको कॉनकेटनेट करेगा। अब मैं यहाँ पे दोनों एरे अपने पास करवा देता हूँ, array 1 और array 2। तो सिंपल इसने क्या किया, जैसे हमने इसको 0 रख के देखा था कि ये ऊपर नीचे इसको कॉनकेटनेट कर रहा है, वैसे ही वर्टिकल का मतलब कि यू सी था, इसने नीचे रख दिया इसके और पूरा एक बना दिया। अब वैसे इसके जैसे सिमिलर एक फंक्शन है एज स्टैक, अब उसका फुल फॉर्म तो आप समझ ही गए होंगे कि हॉरिजॉन्टल स्टैक। अब उसको कैसे करेगा, सिंपल है बहुत। जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा, एक तरह समझ ले तो 0 एक्सिस है वो है वी स्टैक, जो 1 एक्सिस है वो है हॉरिजॉन्टल स्टैक। तो सिंपल मैं यहाँ पे 2 एरे पास करवा देता हूँ, array 2, और देखें इसने सिंपल ये जो आउटपुट था उसको वैसे इसने प्रिंट कर दिया। ये वी स्टैक और एच स्टैक बहुत ही काम की चीज़ है। आप हर दफ़ा एक्सेस थोड़ी प्रोवाइड करेंगे, आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, और फंक्शन ज़्यादा जल्दी होता है रन, तो आप एच स्टैक और वी स्टैक को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। तो मैं ऊपर वाली 2 एरेस यूज़ कर लूँगा, array 1 और array 2। तो मेरा नेक्स्ट फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ np.r_, और इसके अंदर पास करवाता हूँ array 1, array 2।
इसने क्यों हमें यहाँ पे एरर शो किया, क्योंकि आर अंडरस्कोर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, सॉरी राउंड ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट वो लेता है। उसको मैंने रन किया तो इसने क्या हमें शो किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एरे वन और एरे टू को प्रिंट करवा दूँ, इसको ही बल्कि मैं कॉपी कर लूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो सारी चीज़ें। तो इसने क्या किया, जैसे हमने वी स्टैक किया था इसने वैसे ही आर अंडरस्कोर ने इसके नीचे रख के इसने पूरा हमें दे दिया, मतलब टू डी एरे। तो समझ ले वी स्टैक, एक्सेस ज़ीरो और आर अंडरस्कोर एक ही चीज़ है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटी डॉट सी अंडरस्कोर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो मैं सबसे पहले एंटी डॉट, इसके अंदर आर अंडरस्कोर भी यूज़ करता हूँ, आपको और क्लियर समझ आएगा इससे। एरे टू और एंड में एक एरे, अगर हमने कोई क्रिएट की भी है तो हम उसको यूज़ कर लेंगे, या चलें हम वापसी से क्रिएट करते हैं एरे। और उस एरे में मैं रखता हूँ एंटी डॉट ए रेंज और उसमें सिक्स रख देता हूँ। इनवैलिड सिंटैक्स इसने क्यों बोला, क्योंकि गलती से एक कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे पुट कर दिया, बल्कि दोनों जगह हमने कर्ली ब्रैकेट पुट कर दिए। एनपी डॉट है, एनपी डॉट अभी भी एरर, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इसकी डायमेंशंस मैच नहीं हो रही। तो हमें सबसे पहले एरे वन और एरे टू को रीशेप करना होगा। एरे वन को मैं रीशेप कर देता हूँ, एरे वन इज इक्वल टू एरे वन डॉट रीशेप, और इसको 3,2 में मैं चेंज करता हूँ। वैसे ही एरे टू को भी एरे टू डॉट रीशेप और उसमें 3,2 चेंज हो गया और ये रन हो गया। डायमेंशन इसलिए मैच नहीं हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमने 6 पास किया था एरे में, जो एरे यहाँ पे हमने पास किया है। तो 3 2 क्या होता है 6, तो हमें इसको भी 6 बनाना ज़रूरी था, जो दो एरे हैं, तो वो पहले 6 नहीं बना हुआ था, अब 6 बन चुका है। और अब इसने हमें क्या शो किया है वो हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसको रन करते हैं ताकि हम इसको सही से समझ पाएँ। तो मैंने इसको इंडिविजुअल सेल में रख के मैंने इसको रन किया, तो इसने मुझे पूरी ये वाली चीज़ दी है कि ये दो कॉलम है हमारे पास, ये पूरे इसने ये प्रिंट किया है। तो अभी कर क्या रहा है कि जो हमारा अंदर सी अंडरस्कोर के ब्रैकेट के अंदर ये मौजूद है, इसने हमें ये प्रिंट करके दे दिया। अब हम चाह रहे हैं ये मिल जाए हमारे इस एरे के साथ, जो है 6 वाला, ये मिल जाए इस एरे के साथ सी अंडरस्कोर। तो देखिए इसने 0 से लेके 5, मतलब 6 का मतलब यही ना, 0 से 5 इसने इसके आगे 0 से 5 पूरे मैच कर दिया। ये देखिए हम मैच करने का बोल रहे हैं सी अंडरस्कोर। तो आर अंडरस्कोर और सी अंडरस्कोर में फ़र्क क्या है, आर अंडरस्कोर हमें वर्टिकली करता है और सी अंडरस्कोर हमारा हॉरिजॉन्टली करता है, मतलब इसके आगे पुट करता है। आर अंडरस्कोर ने क्या किया, उसके नीचे पुट किया, सी ने उसके आगे पुट किया। तो ये था हमारा सी अंडरस्कोर। तो चले मैं इसी एरे को यूज़ करते हुए, इस वाली एरे को यूज़ करते हुए आपको नेक्स्ट फंक्शन की तरफ लेके जाता हूँ, जो है रिपीट का। अब रिपीट का एक बहुत मज़ेदार फंक्शन है, इससे क्या होता है कि हम चाहें तो हमारे जो एरे के अंदर जितने नंबर्स हैं उसको हम जितनी दफ़ा चाहें रिपीट करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपल 3 पास करूँ तो देखिए इसने, सबसे पहले मैं एरे यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये देखे जितने नंबर्स थे इसने सबको 3-3 दफ़ा रिपीट करवा दिया, 0 को 3 दफ़ा, 1 को 3 दफ़ा, 2 को 3 दफ़ा। अब यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट पास करा दूँ तो लिस्ट का मतलब ये होगा कि मुझे हर एक एलिमेंट का इंडिविजुअल मैं चाहता हूँ कि वो इतनी दफ़ा रिपीट हो। मतलब अगर मैं एक लिस्ट पास कराऊँ यहाँ पे, इसमें 2, 3, 1, 5, 6 और 7, तो ये देखें इंडिविजुअली, देखें 0 को 2 दफ़ा रिपीट करेगा, 1 को 3 दफ़ा, 2 को 1 दफ़ा, सही है। अब मैं यहाँ पे एक कम नहीं दे सकता, ये एरर मुझे थ्रो करेगा, बोलेगा कि भाई
आपका जो एरे है वो 6 उसकी साइज़ है और आप यहाँ पे मुझे 5 यहाँ पे शो कर रहे हो। हाँ, अगर आपको कुछ रिपीट नहीं करवाना है तो आप 0 लिख सकते हो, लेकिन आपको पूरी एरे की साइज़ के मुताबिक लिखना पड़ेगा। तो सही है, आपको लिस्ट रख के भी समझ आ गया होगा कि कैसे इंडिविजुअली हम मेंबर्स को रिपीट करवा सकते हैं। अब रिपीट को हम एक्सेस 0 और 1 से देखते हैं कि मैं यहाँ पे अगर एरे डॉट रिपीट और उसके अंदर 2 पास करा के एक्सेस इज इक्वल टू 0 कर दूँ तो इसने हमें एरर क्यों थ्रो किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिपीट की स्पेलिंग सही नहीं लिखी थी। अब देखिए, इसने मुझे पूरी एरे को 0 एक्सेस की तरह मतलब उसने रिपीट कर दिया, मतलब ये वाली जो एरे है 0 को 2 दफ़ा, 1 को 2 दफ़ा, 2 को 2 दफ़ा, 3 को 2 दफ़ा, 4 को और 5 को 2 दफ़ा, मतलब इसने वैसे ही किया। मतलब अगर हम कुछ नहीं रख रहे यहाँ पे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 कंसीडर करेगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो 1 उसने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये 1 डायमेंशनल एरे है। हम इसको 0 तो कर सकते हैं लेकिन 1 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 2D नहीं है। अब मैं यहाँ पे पहले 2D एक एरे बनाता हूँ, फिर आपको करके बताता हूँ 2D के ज़रिए। तो मैं एरे 3 के नाम से एक बनाता हूँ और रैंडम नंबर जनरेट करवाता हूँ डॉट रेंड एन और 2,2 करता हूँ क्योंकि मुझे 2D चाहिए। एरे 3 को प्रिंट करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक्सेस बंद करूँगा तो वो बिल्कुल सही से मुझे प्रिंट करके शो करेगा 2,3 और एक्सेस 1। तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पे इसने इस पूरे एरे को सबसे पहले तो इसने यहाँ पे कॉलम वाइज इसने कैसे किया कि इसने इस ऊपर वाले को 2 दफ़ा किया, ये देखें 0.35 को इसने 2 दफ़ा यहाँ पे रिपीट किया और 194 को इसने 3 दफ़ा रिपीट किया। वैसे ही नीचे 73 को 2 दफ़ा और 0.41 को इसने 3 दफ़ा यहाँ पे रिपीट करके हमें शो कर दिया, मतलब कॉलम वाइज इसने यहाँ पे हमें रिपीट करके शो किए। अब हम इस लेक्चर के लास्ट फंक्शन पे जाते हैं जो है टाइल का फंक्शन। np.tile लिखता हूँ और इसके अंदर मैं अपना ये वाला एरे पास करवा के 2 पास करवा के देखता हूँ ये क्या कर रहा है। ये सिंपल 2 मैंने पास किया, इसका मतलब ये पूरा जो एरे है ना हमारा ये वाला, इस पूरे एरे को एक दफ़ा और सामने पूरा प्रिंट करवा दिया। तो टाइल सिंपली ये करता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे फंक्शंस हमारे समझ आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।